गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत बढ़िया और यूनिक सा जेल हेयर कलर बिल्कुल नया तरीका है सफेद बालों को काला करने के लिए आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो मुझे ढेर सारे लाइक दीजिएगा शेयर करिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं सो so गाइस आपको लेना है एक लोहे का बर्तन लोहे का कोई भी वैसे आप ले लीजिए गैस का फ्लेम मैंने अभी तक ऑन नहीं किया है सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें यूज़ करना है चाय की पत्ती जो भी चाय की पत्ती आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ करें मेरी चाय पत्ती में छोटी छोटी लीव्स भी मौजूद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं दो चम्मच के हिसाब से मैं सारी चीज़ें ले रही हूँ तो मैंने चाय पत्ती ले लिया दो चम्मच चाय पत्ती की जगह आप कॉफ़ी भी डाल सकते हैं अगर आप अपने बालों में ब्राउन कलर चाहते हैं अगर ब्लैक कलर चाहते हैं तो फिर चाय की पत्ती यूज़ करें नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है हमारा मेथी दाना यानी कि फेनोग्रीक सीड्स इसी स्पून से मैं मेजर कर रही हूँ दो चम्मच चाय पत्ती लिया दो चम्मच मेथी दाना लिया इसके बाद हमें लेना है कलौजी सीड्स यानी कि नाइजीलिया सीड्स या फिर ब्लैक सीड्स आप कह सकते हैं सेम स्पून से मैं दो चम्मच लूँगी तीनों चीज़ें मैंने दो दो चम्मच ली हैं अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों गैस का फ्लेम ऑन करना है और इन सारी चीज़ों को हमें रोस्ट करना है जब तक ये ब्लैकिश ब्राउन टेक्स्चर के नहीं हो जाते हैं अच्छी तरह से धीमी आंच पे इसे भुनना है माइंड इसे जलाना नहीं है इसे भुनना है रोस्ट करना है धीमी आंच पे जब तक ये बिल्कुल डार्क कलर के नहीं हो जाते हैं कोई भी चीज़ जब अच्छे से रोस्ट हो जाती है तो उनकी स्मेल अच्छी से आने लगती है आपको पता चल जाएगा कि अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो चलिए इन्हें फास्ट फॉरवर्ड मोशन में थोड़ा जल्दी जल्दी रोस्ट कर लेते हैं साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे हेयर पैक नहीं बना रहे हैं हम बना रहे हैं जेल हेयर कलर ऐसा होममेड हेयर कलर जो जेल के फॉर्म में रहेगा जिससे लगाना बहुत ज़्यादा आसान होगा अब आप सोच रहे होंगे इन सीड से हम स्मूथ जेल कैसे बना सकते हैं तो बने रहिए वीडियो में एंड तक तो ये सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं आप देख सकते हैं दोस्तों अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ पाउडर्स और ये पाउडर्स आपको गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही ऐड करना है ध्यान रखिएगा सबसे पहला हम इसमें ऐड करेंगे आंवला पाउडर यानी कि गूजबेरी पाउडर दो चम्मच और नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे कत्था पाउडर कत्था यानी कि कैटेचु पाउडर मैं कई सारे रेमेडीज में ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ बालों को काला रंग देने के लिए डार्क कलर देने के लिए कत्था पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं दो चम्मच ही आपको लेना है कत्था पाउडर अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हमने ये दोनों पाउडर्स ऐड किए हैं बट कढ़ाई वेसल अभी भी थोड़ा सा गर्म है और यही हम चाहते थे क्योंकि गर्म वेसल में ही हमें ये दोनों पाउडर ऐड करने हैं अच्छे से मिक्स करना है और फिर पानी ऐड करना है नॉर्मल वाटर आपको आधे ग्लास के बराबर इसमें ऐड करना है अभी भी वेसल गर्म है तो हल्के गर्म वेसल में ही आपको पानी भी ऐड करना है और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छे से इसके बाद हमें इसे ढक कर रख देना है ओवरनाइट या फिर सात से आठ घंटे और उसके बाद ही हम इसका यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे चलिए बताती हूँ नेक्स्ट जब आप देखेंगे कि इसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा ये देखिए सारे सीड्स हमारे सोलन अप हो जाएंगे फूल्स हो जाएंगे अब हमें क्या करना है कि इस पानी को हमें छान कर रख लेना है अच्छे से छान के सारा पानी जो सारा हमें इसका डिकोशन मिला है वो हमें ले लेना है इस तरह से किसी भी छन्नी की हेल्प से आप छान लें जब आपने अच्छे से छान लिया है तो आप देखेंगे आपको ये वाटर ऑप्टेन हो जाएगा और सारी चीज़ें हम साइड में रख देंगे इस पानी से ही हमें बनाना है अपना जेल हेयर कलर इसे आप आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं कम से कम नहीं तो पंद्रह से बीस दिनों के लिए और जब भी आपको यूज़ करना हो एक दूसरा कंटेनर लें उसमें आपको सबसे पहले लेना है एलोवेरा जेल आप फ्लैक्सीड का जेल ले सकते हैं आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जितनी क्वांटिटी आपको अपने हेयर में लगानी है आपको पूरे बालों में लगाना है तो उस हिसाब से लीजिए चार से पाँच चम्मच जेल लीजिए अगर आपको सिर्फ आगे आगे लगाना है या फिर सफ़ेद बालों पर लगाना है तो दो से तीन चम्मच लीजिए और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इस पानी का इस वाटर का अच्छे से दो से तीन चम्मच ऐड करिए बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं हो जाए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है कोई लम्स नहीं रहे बहुत स्मूथ कंसिस्टेंसी में आपको इसको बनाना है ये दोस्तों बन के तैयार हो गया है हमारा जेल हेयर कलर इसको इस कंसिस्टेंसी में आपको बनाना है कि ये बहे नहीं ठीक सा हमारा जेल बन के तैयार हो जाए देखिए सबसे पहले आप लोगों को अपने सफ़ेद बाल दिखा देती हूँ कम से कम नहीं तो पंद्रह बीस दिन से मैंने कुछ भी अपने बालों में नहीं लगाया है और आप देख सकते हैं मेरे ग्रे हेयर सिर्फ एक तरफ सिर्फ एक साइड में आपका ये राइट साइड होगा सिर्फ राइट साइड में ही मुझे पाँच से छः सफ़ेद बाल हैं आप देख सकते हैं आगे की तरफ है बिल्कुल जिनको छुपाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये देखिए अच्छे से आपको दिख रहे होंगे और दूसरी तरफ मुझे कोई भी सफ़ेद बाल नहीं है सिर्फ़ एक ही तरफ है देखिए दूसरी तरफ नहीं है तो आप साइड ज़रूर याद रखिएगा है क्योंकि हेयर पैक लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसके आफ्टर रिजल्ट देख लीजिए सिर्फ राइट हैंड साइड पे ही सफ़ेद बाल है लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं है चलिए अब अपना जेल हेयर कलर लगाना शुरू करते हैं मिक्स करने के बाद आपको इसे एक ब्रश की हेल्प से लगाना है इस तरह से अपने पूरे ग्रे हेयर को कवर करना है मैंने थोड़ा सा बनाया है क्योंकि मैं सिर्फ सफ़ेद बालों पर लगाऊंगी क्योंकि वैसे ही मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगानी पड़ जाती हैं आपको पूरे बालों में लगाना है तो आप ज़्यादा सा बनाइए और पूरे बालों को कवर करिए आपके बालों की कंडीशनिंग भी करेगा क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल है बहुत बढ़िया सा बिल्कुल आपको लगेगा जैसे आप कोई मार्केट वाला जेल है डाई लगा रहे हैं जो डाई आती है केमिकल वाले कलर्स आते हैं जेल फॉर्म में आपको लगेगा बिल्कुल वैसा ही कोई रेडीमेड कलर है इतनी बढ़िया इसकी कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा स्मूथ है इजी टू अप्लाई है एंड इजी टू हैंडल भी है आपके बाल कड़े से नहीं होते हैं झड़ते नहीं हैं जो कि मेहंदी से अक्सर झड़ते हैं मेरा यहाँ पे कलर फिनिश हो चुका है मैं आपको दिखा चुकी हूँ देखिए और पूरे आगे के बाल मेरे कवर हो चुके हैं दोनों साइड मैंने कवर किया है ताकि दोनों साइड के बाल एक जैसे लगे अब इस जेल को आपको कम से कम नहीं तो तीन घंटों तक लगा के रखना है जी हाँ दोस्तों ये कोई हेयर पैक नहीं है कि एक से दो घंटे में आप हटा दें जेल फॉर्म में है बहुत आसानी से आराम से तीन घंटे लगा कर रखिए उसके बाद नॉर्मल पानी से आपको वॉश करना है शैम्पू नहीं करना है शैम्पू आपको ऑयलिंग करने के बाद नेक्स्ट डे ही करना है ये दोस्तों एज प्रोमिस्ड मैं आपको आफ्टर रिजल्ट दिखा रही हूँ ये देखिए राइट हैंड साइड पर ही मैंने आपको सफेद बाल दिखाए थे आप मेरे बालों का टेक्स्चर देख सकते हैं थोड़े से ये ब्राउनिश ब्लैक लगेंगे जब आप इसे रेगुलरली यूज़ करेंगे तो बिल्कुल डार्क ब्लैक हो जाएंगे कहीं से भी आपको गोल्डन कलर नज़र नहीं आएगा देखिए बालों को हटा के अंदर से दिखा रही हूँ ब्राउनिश ब्लैक सा आपका टेक्सचर आएगा रेगुलरली इसे आप यूज़ करेंगे इस जेल को दोस्तों आप हफ्ते में कम से कम नहीं तो दो से तीन बार यूज़ करें कोई भी दिक्कत नहीं है इसका पानी बनाकर रख लें और रेगुलरली इसे यूज़ करें कम से कम तीन बार हफ्ते में तो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई है इसे बनाकर यूज जरूर करिएगा अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा वीडियो पसंद आई है थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद द बेल आइकन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ टेक केयर एंड बाय बाय